मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा एडमिशन चैप्टर चल रहा है और मैंने आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में, और मैंने आपसे कहा था कि अगर सिमिलर क्वेश्चन मुझे कोई और मिल गया तो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो एक क्वेश्चन मुझे सिमिलर मिला है कैपिटल एडजस्टमेंट का, और सिमिलर के साथ उसमें एक एक्स्ट्रा बात भी है, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी करना आना चाहिए। तो इस ये क्वेश्चन और आज हम कर देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से हम ऑलमोस्ट न्यू लेक्चर अपना चालू करेंगे, या डिपेंड करता है, और अगर अच्छा क्वेश्चन मिल गया या किसी ने पूछ लिया तो फिर मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल ये हमारा लेक्चर नंबर 85 है। एज यूजुअली मैं आपको पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद आप इसका रेगुलेशन अकाउंट बनाइए, फिर मुझसे मैच कीजिए, फिर कैपिटल अकाउंट बनाइए, फिर मैच कीजिए। देखते हैं, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, आपसे बोल रहे हैं ए और बी इक्वल, इक्वल मतलब समान साझेदार है, एक अनुपात एक लिख लेते हैं अपन इस चीज को। ए रेशो बी दिया हुआ है हमें, इक्वल मतलब 1:1। दे एडमिटेड सी फॉर 1/5 शेयर, उन्होंने सी को 1/5 मतलब 1/5 शेयर के लिए पार्टनर बनाया। ये मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आप समझदार हैं, दोनों लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे बोर्ड पर, पॉसिबल ही नहीं, फिर क्वेश्चन ही लिखा पाएगा, सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो सी का शेयर है 1/5, लिखा किसी भी लैंग्वेज में हो, 12th वाला बच्चा इतना तो समझदार होता है कि अगर कोई इंग्लिश में लिखी हुई चीज़ को ट्रांसलेट कर बता देता है तो चीज़ें समझी जा सकती हैं। ही विल ब्रिंग सफिशियंट कैपिटल, सफिशियंट को हिंदी में बोलते हैं यथेष्ट पूंजी, सफिशियंट कैपिटल या यथेष्ट पूंजी, इन वर्ड्स के चक्कर में ना पढ़कर आप सिंपल ये देखें कि न्यू पार्टनर आ रहा है तो न्यू पार्टनर को कैपिटल तो लेकर आनी ही पड़ेगी। तो क्या क्वेश्चन में न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है? अगर गिवन है तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, और अगर नहीं गिवन है तो ये सफिशियंट कैपिटल मतलब न्यू पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन है, कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हो जाएगा। समझ गए बात को, सफिशियंट या यथेष्ट ये शब्द ढूंढने नहीं बैठ जाना है, आपको देखना है न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है तो जैसे मैंने सिखाया वैसे करो, नहीं गिवन है तो जैसे लास्ट लेक्चर में सिखाया है या जो अभी एक्सप्लेन करूंगा वैसे करना है। कैपिटल दी हुई है ए और बी की 15,500 और 8,500, उसके अलावा देयर इज ए जनरल रिजर्व, हिंदी में इसको सामान्य संचय बोलते हैं, वो दिया हुआ है हमें 10,000 रुपीज। स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है, स्टॉक हमारी एसेट से, तो ये फायदा है, और मशीनरी की वैल्यू भी बढ़ गई है तो ये भी हमारे लिए फायदा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब पैसे डूब गए, ये हमारे लिए लॉस है। तो इस क्वेश्चन में एक बात तो ये है कि इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चन देखे सभी में हमें एक बैलेंस शीट दी रहती थी और बैलेंस शीट से हम चीज़ें देखकर ट्रांसफर करते थे। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन जो था वो एक पैराग्राफ की तरह दिया हुआ है, इसमें कहीं कोई बैलेंस शीट नहीं दी हुई है, हमें खुद ही पूरे पैराग्राफ को ठीक से पकड़ना है और फिर चीज़ों को ट्रांसफर करना देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल रही है। तो ये मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है, आपको रेगुलेशन अकाउंट में सिर्फ ये देखना होता है कि प्रॉपर्टीज़ या लाइबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, तो वो तो हमें नीचे से मिल रहा है कि हमारे पास में स्टॉक एसेट से उसकी वैल्यू बढ़ रही है, मशीनरी एसेट से उसकी वैल्यू बढ़ रही है, और डेटर्स की वैल्यू कम हो रही है, तो ये दो हमारे लिए प्रॉफिट है और वो एक हमारे लिए लॉस है। इसको पढ़कर आप पहले रेगुलेशन अकाउंट बनाइए, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा और रेगुलेशन अकाउंट प्रिपेयर करवाऊंगा, तो आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तब तक आप फटाफट प्रैक्टिस करिए इसकी।